अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1. लुक एट द फॉलोइंग क्लोज्ड फिगर्स, टिक ऑल दोज शेप्स फॉर विच अ फार्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड द पैरामीटर एंड क्रॉस द शेप्स फॉर विच फार्मूला कैन नॉट बी यूज्ड. ऐसी शेप्स जिनके लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं उनके ऊपर टिक, और जिन शेप्स के लिए हम फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते उनके ऊपर क्रॉस लगाने. हम उन फिगर के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जिनकी तमाम साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, और उनके लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मीन जो रेगुलर पॉलीगॉन होती हैं, और जो इररेगुलर पॉलीगॉन होती हैं उनके लिए हम फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते. फर्स्ट फिगर देखें, इसके तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ये इररेगुलर पॉलीगॉन है. क्रॉस सेकेंड फिगर देखें, स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. टिक ये फिगर देखें, इस फिगर में भी क्या है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, इसके लिए भी हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. टिक रेक्टेंगल देखें, इसके लिए भी हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. इस फिगर को देखें, इसकी भी साइड्स इक्वल नहीं है, मींस ये दोनों साइड्स इक्वल है लेकिन ये वाली साइड्स इसकी इक्वल नहीं है, इसके लिए भी हम फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्रॉस. ये बाकी फिगर भी आपने सेम इस तरह करनी है. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइजा वॉक 12 मीटर, 15 मीटर एंड 13 मीटर टू गो अराउंड अ फील्ड. राफिया वॉक अराउंड अनदर फील्ड, शी वॉक 15 मीटर टू कवर ऑल द 4 साइड्स. फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड आउट द शेप्स ऑफ द 2 फील्ड्स दे वॉक अराउंड. हमने उन शेप्स के नेम बताने हैं जिनके गेट फाइजा और राफिया ने वॉक की है. फाइजा वॉक 12 मीटर, 15 मीटर एंड 13 मीटर. इसके तीनों साइड्स हमें गिवन है, 12 मीटर, 15 मीटर एंड 13 मीटर. तीन साइड्स हमें गिवन है, 12 मीटर, 15 मीटर एंड 13 मीटर, जिसके गेट फाइजा ने वॉक की है. तो तीन साइड्स गिवन थे, हम क्या बोलेंगे, फाइजा वॉक अराउंड अ ट्राइंगुलर फील्ड एंड राफिया वॉक्ड अराउंड अनदर फील्ड एंड शी वॉक 15 मीटर टू कवर ऑल द 4 साइड्स. 4 साइड्स को कवर कर रही है और एक में साइड गिवन है 15, तो ये कौन सी शेप होगी, स्क्वायर फील्ड. फाइजा वॉक्ड अराउंड अ ट्राइंगुलर फील्ड एंड राफिया वॉक्ड अराउंड अ स्क्वायर फील्ड. ये हमने फर्स्ट ए पार्ट में ये बताना था. सेकेंड पार्ट, हु वॉक मोर डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया है, राफिया ने या फाइजा ने. फाइजा की अगर आप देखें 12 मीटर, 15 मीटर एंड 13 मीटर, तीनों साइड्स ट्राइंगल के डिफरेंट हैं, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं ए प्लस बी प्लस सी. इसको इन तीनों को आप ऐड करोगे, आपके पास ये 40 बन जाएगा, 40 मीटर. और जो राफिया ने वॉक की है, 4 साइड्स को कवर करी और एक साइड 15 है, 15 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60. इसमें फाइजा का 40 और राफिया का 60 मीटर, मीन्स ज़्यादा किसने वॉक की है, राफिया वॉक मोर डिस्टेंस. सी पार्ट देखें, वट इज़ द फार्मूला यू विल यूज़ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस वॉक अराउंड ईच ऑफ द फील्ड. मीन्स ट्राइंगुलर फील्ड के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और स्क्वायर फील्ड के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. ट्राइंगल फील्ड के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको तीनों साइड्स ट्राइंगल के डिफरेंट गिवन थी, सो हम ए प्लस बी प्लस सी फार्मूला यूज़ करेंगे. और स्क्वायर फील्ड के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड. स्क्वायर के हम एक साइड गिवन है, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों फार्मूले हम इसके यूज़ करेंगे. आपने क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है और नेट नोटबुक के ऊपर आपने इनका होमवर्क भी करना है.